और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आप। 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा हो नहीं सकता कि 10000 में से 9100 ही जीवित हों। हो सकता है 9110 भी हों, 9103 भी हों, या 9002 भी हों। तो पूरे आंकड़े हर साल के, हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जब हमने खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन लगाया तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं, दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियों को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को BPL के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं। उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे हैं। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे, मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया, कई कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि OBC की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिंपल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा, कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलके स्थगन लगाया, और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि वो उसकी CBI जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे, वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज़ का सवाल उठा रहे हैं, सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं, ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। संजय शर्मा और आपके बीच नोकझोंक भी हुई, उन्होंने कहा कि आप बार बार खड़े होते हैं, फिर आपने कहा अधिकार है मेरा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इस सदन के द्वारा दिए गए हैं, सभी साथियों के ताकत की वजह से दिए गए हैं, उन अधिकारों को चैलेंज करने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं है। आज टीकाराम जूली क्योंकि बार बार सवाल पूछता है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, वो उससे बचने के लिए उनको दिक्कत है। ने उनके पेट में दर्द क्या है, टीकाराम जूली पूछता है तो जवाब दे दो। उंगली उठाने को लेकर अब उंगली करने की तो इनकी आदत है। हम इनसे कोई घबराने वाले, डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं पहले दिन कहा था कि राजस्थान की जनता की आवाज़ हम उठाएंगे, हमारा पूरा विधायक दल, विपक्ष के सभी साथी राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही हैं, हम वो आवाज़ उठाएंगे, चाहे कितने भी इनके मंत्री टोकें, चाहे कितने भी इनकी सरकार हम पे अंकुश लगाने का काम करे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लगातार इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे विधायकों पे, पूर्व मंत्रियों पे, पूर्व विधायकों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से भादरा के अंदर
संविधान की बग्घियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से सारे सदस्य वोट डालने पहुंच गए और चुनाव अधिकारी गायब हो गए, आज तक ये नहीं पता चला कि किस गंभीर बीमारी के वजह से वो चुनाव अधिकारी वहां से हटे हैं, कौन सी बीमारी थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कलेक्टर ने क्या कार्रवाई की, सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये करना नहीं चाहते हैं, इनकी मंशा नहीं है। 10 दिन से अलवर के अंदर पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दे रहा है, कलेक्टर इनकी कठपुतली बना हुआ है और वो तारीख नहीं दे रहा है। भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव होना है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, डरते हैं कि यहाँ चुनाव हो गए तो बीजेपी हार जाएगी, डरते हैं कि अलवर में तारीख दे दी तो बीजेपी हार जाएगी, डरते हैं कि भादरा में वोट